हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मेरी और पुच्चू की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली गाइस। और गाइस, आपको पता है आज कल पूरी रात कुच्चू सोया भी नहीं है। पता नहीं से क्या हो गया है। खाया कुछ उसने? हाँ, उसने खाया भी नहीं है गाइस। कुच्चू सो क्यों नहीं रहे हो? पूरी रात जगता रहा है ये। पूरी रात नहीं सोया और अभी भी जग रहा है। इसको कोई तकलीफ हो गई है और उछाल दिया। हाँ, अब तुम गाली दे रही हो, इसमें चला जाएगा। मैं डाल दूंगी फिर। डालो तो गाइस, छोटी वाली बहन ने ना इसको उछाला था ऊपर वो 2-3 बार। तो जब से इसे उछाला है ना, तब से इसको पता नहीं क्या हो गया है। ना ये सो रहा है, ना कुछ खा रहा है ढंग से। मतलब कुछ इसकी नस वस हिल गई है, मुझे लग रहा है। मतलब मम्मी को भी यही लग रहा है। तो गाइस, अभी तो वो सो रही है, अभी उठेगी तो उसकी बहुत डांट पड़ने वाली है। गुड्डा, क्या हो गया? अब बेचारा बता तो सकता नहीं है, बोल तो सकता नहीं है कि इसे क्या हुआ है। और आज दिवाली है और बेचारा ऐसा हो गया। मतलब देखिए गाइस, कैसे गुड्डा नींद आ रही है इसको, पर ये सो नहीं पा रहा है। तो इसको कोई दिक्कत हो रही है, मतलब कहीं पे कोई नस जो है वो दर्द कर रही होगी, या फिर अंदरूनी कोई दर्द होगा, तो इसी वजह से सो नहीं पा रहा है ना मम्मी? इसे नींद आ रही है, ये सो नहीं पा रहा है। तो गाइस, त्योहार पे ऐसे कुछ भी होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। गुड्डा, क्या हो गया? और गाइस, खराटे भर रहा है, ऐसे बैठ जाता है, सोते सोते फिर एकदम उठ जाता है। पता नहीं क्या हो गया इसको। वैसे ऐसा तो नहीं, कल चक्कर लगाने गया था तो कुछ मतलब ऊपर से नीचे गया था जब उतर के। तो रात को मैंने फिर ऑयल चेंज खिलाया, टमाटर खिलाया, तो अंदर कमरे में सही था। अगर दर्द होता होता तो खाता ही नहीं, कभी भी खाया। छाला तो उसने परसों था। दर्द अब हो रहा होगा, क्या पता, उन्हें पता नहीं लगा। उस दिन भी तो उन्होंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम को जब तुम लोग चली गई तो मैंने खिलाया इसे धनतेरस वाले दिन। गुड्डा, क्या हो गया? गाइस, पता नहीं इसे क्या हो गया। सच में इसका मुंह भी बहुत लटका लटका लग रहा है। धोखा भी नहीं, कोई आया, अजय आए, भाई साहब आए, कुछ गए नहीं। गुड्डा, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई दें, क्या करें। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। नाखून तो इसका दर्द हो रहा, खून निकलता है ना, नाखून उछड़ जाता है तो पता चल जाता है। एक बार गाइस, गुड्डू का नाखून उछड़ गया था, और बहुत टाइम, बहुत साल पहले, छोटा सा था तब वो छड़ गया था। खून घर में ना, लॉबी में खून ही खून हो गया था। मतलब इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो गया था गुड्डू को। गुड्डू के पैर का नाखून उछड़ गया था एक बार। कान में दर्द तो नहीं है? कान में चोए का तेल डाल के देखती हूँ। गुड्डा गाइस, कुछ बता तो पाता नहीं। अगर इंसान का बच्चा हो कम से कम बता तो दे, यहाँ पे हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे करके जा रहे थे बेचारे, वो तो बता भी नहीं पा रहे। गुड्डा, अरे झूठ निकाल दो। तो गाइस, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसे अगर कोई फाइंड आउट करने का आपके पास कोई तरीका हो तो मुझे प्लीज बताना, क्योंकि बहुत परेशान है सब इस टाइम पे। मुझे पता नहीं से क्या हो गया है। गुड्डा, ठीक हो? ऐसे इधर उधर परेशान होता है, घूम रहा है पूरे घर में, आगे पीछे, पूरी रात हो गई, ये सोया भी नहीं है, कुछ भी नहीं खाया है, खजूर भी नहीं खाया आज तो। ये ट्रीट वगैरह नहीं खाता है, खजूर खाता है, वो भी नहीं खाया इसने। गुड्डा, चलो गाइस, बाय।